नागपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। घटना नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत की है। एक 15 साल की नाबालिग लड़की को आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हुड़केश्वर के बेसा चौक में अपने माता पिता के साथ रहती है, जहां पीड़िता की मां औरों के घरेलू कामकाज करती है। आरोपी उन्हीं के घर के पास रहता था, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और फल बेचने का काम करता था। अकेले होने से आरोपी ने पीड़िता के घर मैस लगाई थी। आरोपी विवेक गुप्ता ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बार बार शारीरिक संबंध प्रस्थापित किए, जो कि आरोपी पहले से शादीशुदा था। बार बार शारीरिक संबंध बनाने से 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता गर्भवती होने से आरोपी ने पीड़िता के असहमति से उसका गर्भपात किया। हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन नदीमधील बेसा चौक मध्ये राहणारी एक अल्पवयीन मुलगी आहे। तिचे परिवारासोबत राहते, वडील सोबत राहत नाही, आई घर काम करते। त्यांच्याच शेजारच्या रूम मध्ये एक यूपीचा एक फळ विक्रेता आहे, विवेक गुप्ता उर्फ गिरिजा शंकर त्याचं नाव आहे। तो पण एकटाच राहायचा। त्याने या पीडितेकडे मेस लावलेली होती, त्याच ठिकाणी त्याने पीडित युवतीला लग्नाचं आमिष दाखवलं। ऍक्च्युअली हा आधीच विवाहित होता, तरी देखील त्याने तिला खोटं सांगितलं, लग्नाचं आमिष दाखवलं आणि तिच्याशी वारंवार शारीरिक संबंध केले। सदर संबंधामधून सदर युवती 15 वर्षीय युवतीला गर्भधारणा देखील झाली होती। तर आरोपीने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला धाकधपटश दाखवून जबरदस्तीने तिचं गर्भपात देखील करून आणला, घडवून आणला होता। आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी अद्याप वेतन मिळालेला नाही आहे। पीडितेची वैद्यकीय तपासणी देखील आपण केली आहे। नाही, अजून हे चित्र स्पष्ट झालेलं नाही आहे। आरोपी उत्तर प्रदेशचा आहे एवढं कळालेलं आहे। त्याचा आधार नंबर आहे, त्या आधारे आपण पुढील शोध घेत आहोत। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके चलते हुड़केश्वर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गुनाह दाखिल किया है। आरोपी अभी लापता है, जिसके खिलाफ पुलिस के पास उसका आधार कार्ड है और उसी के चलते आगे की कार्रवाई चल रही है। BCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।